खरगोन जिले के किसान खेत में सिंचाई करने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। इस बात का पता उस समय चला जब मजदूर किसान समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल खरगोन जिले के ग्राम डेहरी के किसान अपने खेत में सिंचाई करने में नाकाम दिख रहे हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू किसानों ने बताया कि डेहरी तालाब से पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे ग्राम के किसान खेत में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 2 माह पहले प्रशासनिक स्तर पर समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों ने समस्या से प्रशासन को पुनः अवगत कराते हुए समस्या के निराकरण की बात कही है। वहीं समस्या का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग सभी डेयरी नंबर 2 तालाब की जो मुख्य नहर उसके 10 लेवल के सभी लोग हैं, और बार बार हमारी यही मांग रही है कि ये पानी जो हमको मिलता है, एक पलेवा एक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाता है इनके द्वारा, जबकि विभाग का एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो करते हैं, वो कहते भी हैं कि हम आपको एक पलेवा और 3 सिंचाई का पानी डेयरी नंबर 2 तालाब से उपलब्ध कराएंगे। चूँकि विगत 3-4 वर्षों में हमें ये कोई इस तरह से पानी उपलब्ध इन्होंने कराया नहीं है, एग्रीमेंट करते रहे लेकिन नहीं कराया, हमारी फसलें बर्बाद हुई है। अभी हम पिछली बार भी 31/12/2019 को भी जनसुनवाई के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया था कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इन्होंने यहाँ से आश्वासन दिया था कि भाई आप नदी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, आपको तालाब में पानी बराबर नहर के माध्यम से मिलेगा। अभी एक बार और इन्होंने हमारे आवेदन देने के पश्चात भी पानी छोड़ा। हमारी मांग यह है कि अब हम इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें एक पलेवा 3 सिंचाई का पानी चाहिए, क्योंकि हम 10 लेवल के सभी किसान अच्छे खासे परेशान हैं। विभाग की सुन्नता ये दर्शा रही है कि यहाँ पे अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसा काम। अभी क्या जवाब दिया आपको? अभी यही बोला गया है कि हमें इस मामले में कोई सूचना नहीं है, देखते हैं कौन पानी छोड़ रहा है, उसके खिलाफ़ FIR करेंगे। न पिछले 3 साल से न इनके कोई आंकड़े हमें हमारे काम के बचे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 5 MCM का तालाब है और इतनी सिंचाई होती है, न तो उतनी सिंचाई हमें 10 लेवल के लोगों को दे पाते हैं, और न ही किसी के खिलाफ कोई जो उस नहर के साथ छेड़छाड़ करता है या पानी अनाधिकृत तरीके से छोड़ता है, उसके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं। आपसे किसकी चर्चा, आपसे किससे, आपकी किससे चर्चा हुई? माननीय कलेक्टर महोदय और वो विभाग के जो भी अधिकारी थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, वो संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जल संसाधन विभाग से उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने अभी ई साहब से मिलने का बोला है। क्या नाम आपका? पारस पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।